हाँ तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं काय की डायरिया की। डायरिया एक कॉमन डिजीज होती है जो मेनली सभी लोगों में देखने को मिल सकती है। तो क्या होता है डायरिया की कंडीशन में? डायरिया क्या होता है, एक दिन में तीन या पाँच से अधिक बार क्या करना, वाटर स्टूल का पास आउट करना, यानी दिन में पाँच से अधिक बार या तीन से अधिक बार वाटर स्टूल का यानी पानी जैसे मल का त्याग करना क्या कहलाता है, डायरिया कहलाता है। यानी पानी जैसे मल का त्याग करना दिन में तीन से चार बार या पांच बार, पांच से अधिक बार भी हो सकता है, तो उसे अपन बोलते हैं डायरिया। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं डायरिया होने के निम्न सबसे पहला इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस को डिवाइड किया गया है। कौन सबसे पहला आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से डायरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइप से जिससे क्या होता है, टाइफाइड फीवर होता है, उसकी वजह से इन्फेक्टेड होने से डायरिया हो सकता है। दूसरा आता है विब्रियो कॉलेराय, यानी अस्वच्छता का कारण क्या होता है, विब्रियो कॉलेराय का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। दूसरा तो वायरस सबसे पहले आता है रोटा वायरस और मीजल्स वायरस, जिनकी वजह से अपन को डायरिया देखने को मिल सकता है इन्फेक्शन की वजह से। फंगस में कैंडिडा एल्बिगेंस नामक फंगस होता है जो कि डायरिया को कॉज करता है। नॉन इन्फेक्टिव केस में अपन देखते हैं सबसे पहले लैक्टोज इनटॉलरेंस, यानी इनटॉलरेंस का मतलब होता है असहनशीलता। लैक्टोज क्या होती है, एक शुगर होती है शर्करा जो काय में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, कई में माता के दूध में पाई जाती है, जो कि क्या होती है, जो बच्चा अत्यधिक ग्रहण कर लेता है तो उसका पाचन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, असहनशील हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कोज होता है, डायरिया। पॉइजनिंग बाय टॉक्सिन प्रभाव यानी जहरीले प्रभाव की वजह से ये हो सकता है। दूसरा था हिंसप्रंगी, जो कि बच्चों में पाई जाती है, जिसकी क्या होती है, मेगा कोलोन की कंडीशन हो जाती है, जिसमें नर्व सप्लाई एब्सेंट हो जाने की वजह से डायरिया कोज हो सकता है। दूषित पानी, हाँ तो अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं डायरिया के टाइप्स। डायरेक्ट टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, परंतु अपन ने उसके दो टाइप्स में डिवाइड देखा है जो इम्पोर्टेंट है। पहला होता है ड्यूरेशन का आधार पर और दूसरा होता है क्लिनिकल अपीयरेंस का आधार पर, यानी जो डायरिया हुआ है वो कितने टाइम के आधार पर किया गया है, अपन को कितने टाइम के आधार पर होता है, और क्लिनिकल अपीयरेंस के आधार पर अपन से बांटा गया है डायरिया को दो टाइप से, ठीक है। अब डायरिया ड्यूरेशन के आधार पर डायरिया को तीन भागों में बांटा गया है। पहला था एक्यूट, दूसरा था क्रोनिक, तीसरा था परसिस्टेंट डायरिया। एक्यूट डायरिया क्या होता है, एक्यूट डायरिया वह डायरिया जो दो वीक से कम समय के लिए होता है वो डायरिया कहलाता है एक्यूट डायरिया। क्रोनिक डायरिया वह डायरिया जो 3 वीक से अधिक होता है यानी लंबा चलता है, उसे बोलते हैं अपन क्रोनिक डायरिया। तीसरा होता है परसिस्टेंट डायरिया, वह डायरिया जो 2 वीक से अधिक हो परंतु उसका जो कोज हो वो इन्फेक्शन होना चाहिए, उसका कोज क्या होना चाहिए, इन्फेक्शन होना चाहिए, उसे बोलते हैं परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल अपीयरेंस। क्लिनिकल अपीयरेंस में अपन देखने को क्या मिलता है, इसमें आता है राइस वाटर डायरिया देखने को मिलता है, जो कि मेनली किसकी वजह से होता है, कोलेरा की वजह से। कोलेरा क्या होता है, एक डिजीज होती है जो कि विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है। दूसरा था राइस वाटर, चावल के समान अपन को डायरिया देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। इसमें आता है पी सूप वाटर डायरिया। पी सूप का मतलब होता है मटर का जो पानी रहता है उस प्रकार का अपन को डायरिया देखने को मिलेगा, तो उसे बोलते हैं पी सूप वाटर डायरिया, ठीक है। जो कायम देखो थाइफॉइड में देखने को मिलता है, जो किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी जो अपन ने बैक्टीरिया देखा था। उसके बाद देखने को मिलता है अपन ब्लडी डायरिया, जिसे अपन डिसेंट्री बोलते हैं, वैसे अपन मलेना भी बोलते हैं, पर डिसेंट्री डायरिया के नाम से जानेंगे, जो उसके होता है वाटर स्टूल होता है पर उसके साथ ब्लड भी आता है, श्लेष्मा भी आता है, मवाद भी आता है, तो उसे अपन डिसेंट्री डायरिया या ब्लड डायरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन डायरिया में बात करते हैं कि जो डायरिया होता है उसमें कौन कौन से अपन को साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। तो अपन ने उसके टाइप डेफिनेशन देखी, उसके कॉज देखे, उसके बाद उसके जो टाइप्स होते हैं वो देखे, उसके बाद अपन देखे उसके क्लिनिकल फीचर देखेंगे। क्लिनिकल फीचर देखे सबसे पहले डिहाइड्रेशन, जो डायरिया होएगा तो उसमें फ्लूड लॉस होएगा। फ्लूड लॉस होने की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, खनिज लवण रहते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयरन आदि जो लौह तत्व रहते हैं, वो सारे तत्व रहते हैं बॉडी में, उनकी कमी हो जाएगी, जिसे बोलेंगे अपन डिहाइड्रेशन। हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है फ्लूड की कमी हो जाएगी, यानी ब्लड वेसल्स में फ्लूड की कमी हो जाएगी, क्योंकि वाटर स्टूल बार बार पास आउट हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया कंडीशन देखने को मिलेगी। और अत्यधिक हाइपोवोलेमिया हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, शोक भी देखने को मिल सकता है, हाइपोवोलेमिक शोक।
उसके बाद आता है ओलिगुरिया। ओलिगुरिया मतलब क्या होता है, मतलब जो डायरेक्ट कंडीशन से वाटर स्टूल बार बार पास आउट हो रहा है, जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन में भी कमी आएगी और यूरिन बहुत ही कम मात्रा में पास आउट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस वही चीज़ होती है, खनिज लवण होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, बहुत कम मात्रा हो जाती है, किसी की ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से अपन देखने में उसका जाता है जो पेशेंट रहता है वो थक जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, एक्टिविटी लॉस यानी उसके फंक्शंस लो हो जाते हैं, एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, बहुत ही कम एक्टिविटीज कर पाता है। अब अपन इसके देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, उसके बाद अपन देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में अपन सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा डायरिया का पता लगाया जा सकता है, उसके बाद हिस्ट्री टेकी, फिर स्किन पिंच टेस्ट किया जाता है जिसमें स्किन के टर्गर को पकड़ कर देखा जाता है, फिर उसे छोड़कर देखा जाता है। उसके बाद आता है स्टूल कल्चर, जो डायरेक्ट का जो स्टूल हुआ है उसका कल्चर टेस्ट करते हैं, जिससे बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि का पता लगाते हैं। उसके बाद ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करते हैं। अब अपन नेक्स्ट डायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि डायरिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले किया जाता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ डायरिया कंडीशन, तो उसे बैलेंस करने के लिए क्या दिया जाता है, ORS दिया जाता है, ORS दिया जाता है, ORS जो क्या करता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। दूसरा था सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया कंडीशन में क्या किया जाता है, आईवी मार्ग द्वारा आईवी फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट की जाती है, आईवी फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट की जाती है, जिसमें क्या होता है रिंगल इलेक्ट्रेट फ्लूइड दिया जाता है, जो जो उसके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ है उसे बैलेंस करने का कार्य करता है। इसके अलावा जब डायरिया को में कोई जैविक कारक है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, एम्पिसिलिन और फ्लेक्सेसिन, यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसमें फीडिंग स्टार्ट की जाती है, पेशेंट को स्वच्छ पानी पीने के लिए कहा जाता है, उसके बाद पेशेंट को बैलेंस डाइट लेने व हाई फाइबर युक्त डाइट लेने की सलाह दी जाती है, इसके अलावा दूषित पानी नहीं पीने की सलाह दी जाती है और स्वच्छ पानी पिए, और इसके अलावा पेशेंट को आसानी से पचने वाला फ्लूड फूड दिखाने की सलाह मतलब सलाह देते हैं, जैसे कि जैसे खिचड़ी हो गई, फलों का रस हो गया, नारियल का पानी हो गया, आदि चीज़ें जो आसानी से पच जाती है, आदि चीज़ें अपन डायरेक्ट मैनेजमेंट में अपन कर सकते हैं।